कस्बा जनेठा शरीफ तहसील चदोसी जिला संभल में दरगाह शरीफ रोड पर वाक़े पीरे तरीकत हजरत सैयद कमाल मियां मौज़मी नौशाही की रिहायश गाह पर हर साल की तरह इमसाल भी सालाना उर्से कादरी चिश्ती के आगाज से कबल मौज़मी नौशाही महफिल कुलशरीफ आरास्ता की गई, जिसमें दरगाह जनेठा शरीफ के सज्जादा नशीन पीरे तरीकत हजरत अलहाज डॉक्टर सैयद शाहिद मियां कादरी नौशाही ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत फरमाई। वाज़े हो कि जनेठा शरीफ में सालाना उर्से कादरी चिश्ती हर साल की तरह इमसाल भी 6-9 जमादी उस्सानी मुताबिक 10-13 जनवरी मुकम्मल अकीदत व एहतराम के साथ मुनक़िद किया जा रहा है। हर साल उर्स के आगाज से कबल हजरत सैयद कमाल मियां मौज़मी के मकान पर इस नूरानी महफिल का एहतमाम किया जाता है। इस मौके पर हजरत सैयद आमिर मियां कादरी नौशाही, मशहूर खतीब व तबीब हजरत अलहाज सैयद सालिम मियां मौज़मी, हजरत सैयद मुजम्मिल मियां मौज़मी, हजरत सैयद नईम मियां मौज़मी, हजरत मौलाना कारी सैयद जमन मियां मौज़मी कमाली, सैयद बिलाल मियां मौज़मी कमाली सल्लामहू, सैयद नवैद मियां, सूफ़ी अब्दुल हकीम कादरी नौशाही, सूफ़ी शमशीरुल हक कादरी नौशाही, मोहम्मद सिराज मौज़मी, हाफिज़ अजमत हुसैन मौज़मी, हाफिज़ इकरार मौज़मी, मोहम्मद इमामी मौज़मी, इब्राहिम खां मौज़मी, नासिर खां मौज़मी वगैरह समेत बड़ी तादाद में अकीदतमंद हजरात मौजूद रहे। तिलावत कलाम इलाही के बाद मशहूर शायर वक़ार कामिल जनेटवी, मशहूर नातख्वां आबिद खां मौज़मी, मोहम्मद सिराज मौज़मी, मोहम्मद इब्राहिम मौज़मी वगैरह ने गुलहाए नात व मनाकिब पेश करने की सआदत हासिल की। लीजिए पेश हैं कुछ नज़ारे। चलिए हुजूर जन्नत सजी हुई है, नबी की आमद का गुलगुला है, तमाम महफिल सजी हुई है। महफिल नातो मनाकिब के आखिर में कुल शरीफ पढ़ा गया और मेहमान खुसूसी हजरत अलहाज सैयद शाहिद मियां कादरी नौशाही ने दुआ फरमाई। आमीन। फैजाने मौज़मी से फैजाने नफाई से हम सबको मालामाल फरमा। आमीन। कमाल मियां की उम्र में दराज़ी अता फरमा। आमीन। इनका साया, इनकी अहलिया का साया, इनके बच्चों के सरों पे कायम और दायम फरमा। आमीन। इनके कारोबार में बरकत की तरफ फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह हम सबको सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। इस्लाम का बोलबाला कर सीखने सिखाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। जुमला मुसलमानों के अंदर इत्तेफाक इत्तेहाद पैदा कर। आमीन। नमाजी हैं उनको नमाजी बना। आमीन। नमाजों को कबूल फरमा, हमारी नमाजों में खुशू खुशू पैदा। आमीन। लाइन जो परेशान हाल है उनकी परेशानी दूर फरमा। आमीन। जो मुसीबत ज़दा है उनकी मुसीबतों को दूर फरमा। आमीन। गामला अजला का फरमा। आमीन। उनको शाहे औलाद का फरमा। आमीन। इस नूरानी महफिल के बाद हजरत सैयद कमाल मियां मौज़मी नौशाही की जानिब से मखदूमे जनेठा हजरत सैयद मौज़म अली शाह मियां रहमतुल्लाह अलैह और दीगर बुजुर्गों के मज़ारात की चादर पोशी भी की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए हजरत सैयद कमाल मियां मौज़मी कादरी नौशाही ने बताया कि इस साल सालाना उर्से कादरी चिश्ती 10, 11, 12 व 13 जनवरी को मुनक़िद किया जा रहा है। 10 जनवरी को बाद नमाज ज़ुहर हजरत सैयद नौशे मियां शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और बाद नमाज मगरिब हजरत सैयद मोती मियां शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का कुल शरीफ होगा। 11 जनवरी को सुबह 10 बजे हजरत सैयद मेहंदी मियां शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का और आखिरी रोज़ 13 जनवरी को शाम 4 बजे हजरत सैयद मौज़म अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का कुल शरीफ होगा। इसी के साथ 4 रोज़ा उर्से पाक मुकम्मल हो जाएगा। सैयद कमाल मियां मौज़मी ने बताया।
इस दौरान उर्स चादर पोशी का प्रोग्राम होता है हमारे यहाँ सालाना, और इसके अंदर खराज अकीदत पेश की जाती है और तबरुकात जो भी है बुज़ुर्गों का वो पेश किया जाता है। इसमें नात और मनकबत का भी प्रोग्राम होता है, दुआ की जाती है। तो ये दादा मुअज़्ज़म शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स जो है ये किन किन तारीखों में होगा? ये चांद के साथ तो 6 जमात उस्सानी से शुरू होता है, लेकिन इस साल जनवरी 10 जनवरी से 13 जनवरी को बड़ा कुल शरीफ होगा हज़रत मुअज़्ज़म शाह मियां रहमतुल्लाह अलैह का। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हाज़िरी दें और सवाब दरहन हासिल करें और सवाब के मुश्तक हों। मेरी उन लोगों से गुजारिश है दौरे हाजिर में अल्लाह के वलियों से दुआ करें, उनके दरबार में पहुँचें और अपनी मन्नतें मुरादें पूरी हों। अल्लाह से ये दुआ है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैज़ याब हो और इसके मुश्तक हो और उसके